वेलकम टू एस के 100 सर। एस के 100 सर पे मैं संतोष सर आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, कल हमने डाइस का फर्स्ट लेसन पढ़ा था, आज हमारा दूसरा लेसन है और इस पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। तो आइए हम प्रत्येक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा स्टूडेंट। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे आज के वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, दो डाइस पे बेस्ड है। तो अगर दो डाइस हो और जिसमें से एक सरफेस कामन हो, यानी एक सतह कामन हो, तो इस डाइस को कैसे सॉल्व करते हैं। इस डाइस को सॉल्व इसको क्लॉकवाइज सॉल्व करते हैं, यानी क्लॉक बेस्ड सॉल्व करते हैं। कैसे, जैसे ये ऐसे जाते हैं, उसके बाद इसको ऐसे जाते हैं, उसके बाद इसके यहाँ पे जाते हैं कैसे, और इसके बाद इसको भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो इसके 3 से यहाँ पे आएंगे, उसके बाद 5 से यहाँ पे आएंगे, यानी 5 से 2 पे आएंगे, उसके बाद 2 से 3 पे जाएंगे। तो देखिए, और सभी का अपोजिट क्या होगा, हमसे यही पूछ रहा है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे ये है ना, तो यहाँ पे 3 लिखिए पहले से, उसके बाद 3 के बाद हमारा क्या आया है 4, उसके बाद 4 के बाद क्या आया है 6 आया है, ठीक। उसके बाद 3 के नीचे फिर 3 लिखिए, उसके बाद क्या लिखिए फिर 5 लिखिए, क्योंकि 3 के बाद क्या है क्लॉकवाइज घुमाने पर 5 है, उसके बाद 5 के बाद क्लॉकवाइज घुमाने पर 2 है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है कि ये जो इसके नीचे जो आया है ये इसका अपोजिट हो गया, उसके बाद इसके नीचे यानी 6 के नीचे जो आया है वो 6 का अपोजिट हो गया, उसके बाद ये 3 3, तो इसमें से कौन सी संख्या ऐसी बची हुई है, बची हुई है 1, जो क्या है हमारा 3 का अपोजिट हो गया, ठीक। तो अब क्वेश्चन में पूछ सकता है कि अपोजिट ऑफ 2, तो 2 का अपोजिट क्या होगा 6 होगा, उसके बाद 3 का अपोजिट पूछ लिया तो 3 का अपोजिट क्या होगा 1 होगा, उसके बाद अगर हमसे पूछ लिया 5 का अपोजिट तो 5 का अपोजिट क्या होगा 4 हो गया। सो फ्रेंड, इस पे बेस्ड ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए। अब देखिए फ्रेंड्स, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें से पहला ये देखिए ए डाइस है और दूसरा बी डाइस है। इसमें पहले देखेंगे कि हमें कौन सा ऐसा अंक है जो दोनों में कॉमन है, कौन सा ऐसा अंक है जो दोनों में कॉमन है। तो कॉमन क्या है हमारा 2 है, 2 है जो दोनों में कॉमन है। अब 2 को क्या करेंगे, हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, मतलब 2 से क्लॉकवाइज जाएंगे, तो इस 2 से जाएंगे तो हमारा 3 पे जाएंगे, उसके बाद 1 पे जाएंगे, उसके बाद फिर 2 पे आएंगे। इसी प्रकार इसमें भी क्लॉकवाइज जाएंगे तो 2 से 4 पे आएंगे, उसके बाद 4 से 5 पे, उसके बाद 5 से फिर आ जाएंगे 2 पे। तो आइए इसको कैसे करते हैं, जैसे अगर पहले जो कॉमन रहे उसको लिखते हैं, उसके बाद क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो 2 के बाद क्या है 4 है, उसके बाद चाहे इसको पहले लिखिए चाहे इसको पहले लिखिए बात एक ही है। तो जैसे हमने पहले इसको लिखा है तो 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, अब 5 के बाद 5 है ना, अब 5 के बाद फिर 2 आ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा यहाँ पे नीचे लिखेंगे, अब इसको भी 2 के बाद क्लॉकवाइज जाएंगे तो 3 आएगा, 3 आएगा, और 3 के बाद हमारा क्या आ जाएगा 1, 1 आएगा ना, सॉरी 1 आएगा। उसके बाद जो इसमें से इन में जो नहीं है, मतलब मिस है, तो वो कौन सी संख्या मिस है, 6 है, जो इन दोनों डाइस में नहीं है। तो इसलिए अब 6 क्या हुआ, 2 का कॉमन अपोजिट हुआ, और 4 किसका हुआ 3 का अपोजिट, और 5 किसका हुआ 1 का अपोजिट, या 1 5 का अपोजिट 1 हुआ। तो अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, अपोजिट ऑफ 5, तो यानी 5 का अपोजिट क्या होगा, तो 5 का अपोजिट क्या होगा 1 होगा, ठीक फ्रेंड्स। जिससे हम ऐसे इसको इस कॉन्सेप्ट को ऐसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखेंगे। जैसे फ्रेंड हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, 2 कामा पे बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे डाइस 1 है और ये डाइस 2 है, इसमें 2 है और 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 2 है, 4 है, 3 है, यानी इसमें से देखिए 2
सतह कामा है, दो सरफेस कामा है, ठीक है। तो कौन कौन सी है, जैसे दो टू आ जा रहा है, टू है कामा, टू कामा है, उसके बाद थ्री कामा है, थ्री कामा है ना। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसमें तीन ऐसे क्या बनाएंगे, दो तीन कॉलम बनाएंगे, जिसमें से ये कॉलम किसका होगा, ये होगा जो कामा है, कामा है, उसके बाद क्या होगा, ये दूसरा कॉमन, ये जो दूसरा क्या होगा, दूसरा कॉलम में क्या होगा, जो दिया गया है, मतलब जो कामा नहीं है, यानी जो नॉट नॉट कॉमा, जो कॉमा नहीं है, उसके बाद आखिरी में जो ये वाला, इसमें क्या रहेगा, जो यानी मिसिंग हो, मिसिंग मिसिंग नंबर जो हो वहाँ, यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए अब कामा कौन कौन से हैं, दो है, उसके बाद तीन है, उसके बाद जो नॉट कामा है यानी चार, और पांच जो है क्या, नॉट कामा है, उसके बाद मिसिंग क्या है, एक है और छह है, ये मिसिंग नंबर है। अब इसमें से पूछ लिया कि चार का, अब देखिए इसमें क्या रहता है, ये जो चार है वो पाँच का अपोजिट है, उसके बाद ये दो एक का अपोजिट है, और तीन किसका है, सिक्स का अपोजिट है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ लेगा, क्वेश्चन में पूछ लेगा अपोजिट, अपोजिट ऑफ टू, तो टू का अपोजिट पूछेगा तो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। उसके बाद अपोजिट, अगर पूछ लिया अपोजिट ऑफ किसका, फोर का, तो फोर का अपोजिट क्या है, फाइव है। उसी प्रकार अगर सिक्स का अपोजिट पूछ लिया तो क्या हो जाएगा, सिक्स का अपोजिट थ्री हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो ऐसे ये कॉन्सेप्ट है हमारा नेक्स्ट, तो इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन पहला देखेंगे। अब देखिए फ्रेंड, हमारा क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, अपोजिट ऑफ वन, ये एक डाइस दिया, ए डाइस दिया है, ये बी डाइस दिया है, इसमें से अपोजिट ऑफ वन दिया है, ठीक है, एनी वन का अपोजिट क्या पूछा है। अब देखिए इसमें से पहले देखेंगे कौन कौन सी संख्या कॉमन है, तो कौन कौन सी कॉमन है, फोर कॉमन है दोनों में, और फाइव कॉमन है, तो इसलिए पहले हम तीन कॉलम बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम तीन कॉलम बना लिए, ये हमारा हो गया कॉमा वाला, उसके बाद ये हो गया नॉट कॉमा वाला, उसके बाद ये जो है मिसिंग नंबर वाला जो दिया गया नहीं है। तो कॉमा क्या क्या है, चार है, उसके बाद पाँच है, उसके बाद बचा क्या है, नॉट कॉमा एक, और उसके बाद दो, उसके बाद मिसिंग क्या है, सिक्स, थ्री मिसिंग है, उसके बाद सिक्स है, थ्री सिक्स मिसिंग है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, अपोजिट ऑफ वन, तो अपोजिट ऑफ वन का क्या होगा, कॉन्सेप्ट के अनुसार टू होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, टू हो जाएगा आंसर। ठीक फ्रेंड्स, अब आइए देखते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, यानी ये देखिए इसमें क्या रहेगा कि डाइस वन है, और डाइस ए है, और डाइस बी है, इसमें क्या रहेगा कि कोई भी सतह कामा नहीं रहेगा, यानी सभी डिफरेंस रहेंगे। तो इस का डाइस को कैसे, हम इस क्वेश्चन को कैसे, इस कॉन्सेप्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या है, अब देखिए अगर मान लेते थ्री का अपोजिट पूछ लिया, तो थ्री का अपोजिट क्या होगा, ये थ्री कहाँ पे जाएगा, ये वन, ये सिक्स का अपोजिट हो जाएगा। अब ये टू, टू किसका अपोजिट होगा, फोर का अपोजिट होगा। अब ये फाइव, फाइव किसका अपोजिट होगा, वन का अपोजिट होगा, ये वन फाइव का अपोजिट होगा। तो हमारा क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, वन का अपोजिट, तो वन का अपोजिट क्या होगा, फाइव, और टू का अपोजिट क्या होगा, फोर, और थ्री का अपोजिट क्या होगा हमारा, सिक्स। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, इस पे बेस्ड हम देखेंगे पहला क्वेश्चन। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट पे, तो देखिए इसमें से कोई ऐसा, ये पहला डाइस है, ये दूसरा डाइस है, इन दोनों डाइस में ऐसा कौन कोई संख्या नहीं है जो कामा हो, इसको इसलिए कैसे सॉल्व करेंगे, हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा था क्या, कि जो ये चार है ये टू का हो जाएगा, उसके बाद ये फोर है किसका हो जाएगा, वन का हो जाएगा, और जो ऊपर है, ऊपर का ऊपर में अब विपरीत हो जाएगा, ठीक, यानी अपोजिट हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, मतलब ये जो यहाँ पे जो इसका ये सतह है वो इसके कहाँ पे जाएगा, पहले सतह पे, और इसके बाद ये जो दूसरा सतह है वो इसके दूसरे सतह पे, और ये जो तीसरा सतह है उसके तीसरे सतह पे अपोजिट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा है,
अपोजिट ऑफ फाइव। तो अपोजिट ऑफ फाइव यानी फाइव का अपोजिट क्या होगा, विपरीत क्या होगा, तो फाइव का अपोजिट क्या हमारा है, वन है। क्या है? वन है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब फ्रेंड्स देखेंगे हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। सो फ्रेंड अगर हमारा तीन डाइस पे बेस्ट क्वेश्चन आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए हम देखते हैं कॉन्सेप्ट तीन पे बेस्ट, तीन डाइस पे बेस्ट। तो देखिए इसमें से ये देखिए तीन डाइस दिया हुआ है, उसमें से इसमें क्या कह रहा है कि इसमें से पूछा क्या है, एक का अपोजिट अपोजिट ऑफ वन यानी वन का विपरीत क्या हो गया, या टू का विपरीत क्या होगा, या थ्री का विपरीत क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसे दे देता है। तो आइए पहले इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो जब ऐसा दे तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट याद है, पहला क्या है, इसमें से देखेंगे तीनों डाइस में कौन कौन सा है ऐसा है जो केवल एक अंक कॉमन है, कौन कौन से डाइस में। तो हमारा पहला डाइस है और देखिए थर्ड डाइस है, यानी पहले और एक्स और जेड में केवल एक ही सतह है जो कॉमन है। तो इसी से हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए अब देखिए इसमें से ये कॉमन है, फाइव कॉमन है, तो फाइव को हम क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ठीक है, देखिए उसके बाद इसको भी क्लॉकवाइज। ठीक, तो अब कैसे, अब देखिए इसका क्या है, फाइव, उसके बाद फाइव के बाद क्लॉकवाइज टू आएगा, उसके बाद टू के बाद आएगा थ्री, फिर नीचे क्या आएगा, फाइव, फाइव के बाद वन, और वन के बाद क्या आ जाएगा हमारा फोर, उसके बाद जो बचता है वो फाइव का क्या हो गया, अपोजिट हो जाता है, जो मतलब एक डाइस जब एक सतह कॉमन रहती है। ठीक है, तो आइए अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, अपोजिट ऑफ वन, तो अपोजिट ऑफ वन का क्या होगा, टू होगा, उसके बाद अपोजिट ऑफ टू का क्या होगा, वन होगा, उसके बाद क्या है, थ्री का अपोजिट क्या होगा, फोर होगा, थ्री का अपोजिट फोर होगा, और अगर फाइव का पूछ लिया तो फाइव का अपोजिट क्या हमारा हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। तो आइए इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन में अब थ्री एक्स वाई जेड यानी थ्री डाइस दिया है, उसके बाद पूछा है, ये पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है क्या कि फोर अपोजिट ऑफ फोर यानी फोर का विपरीत क्या होगा। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें से मैंने पहला कॉन्सेप्ट जो बताया था उसी के अनुसार इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा। जैसे इसमें क्या, पहले कॉन्सेप्ट में क्या था, एक सतह सरफेस कामा, तो एक सतह कामा कौन कौन सा है, ये एक्स है और ये जेड है, तो कौन कौन सा कामा है, टू, इसमें कामा है, ये टू कामा है। ठीक है, तो आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ठीक है, ऐसे क्लॉकवाइज, ठीक, इसको भी क्लॉकवाइज। तो देखिए पहले टू लिखेंगे, टू के बाद क्या है, क्लॉकवाइज वन है, वन के बाद थ्री है, उसके बाद फिर दूसरे डाइस में यानी जेड डाइस में जाएंगे, उसके बाद जेड के बाद टू से स्टार्ट करेंगे, टू के बाद क्या आएगा हमारा, क्लॉकवाइज फोर, उसके बाद फोर के बाद फाइव। अब देखिए ये इसका काम अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, और टू का अपोजिट हमारा जो गायब रहता है वही अपोजिट हो जाता है, यानी सिक्स टू का अपोजिट है। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, अपोजिट ऑफ फोर यानी फोर का अपोजिट क्या होगा, फोर का अपोजिट वन होगा, जो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक फ्रेंड्स, ये था हमारा कॉन्सेप्ट नेक्स्ट जो थ्री डाइस पे बेस्ड क्वेश्चन, ये ऐसे ही आते हैं। अगर दो भी दे जाए मतलब दूसरे कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे तब भी हमारा आंसर यही आएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो आइए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को ना सॉल्व कर पाए या कोई क्वेश्चन बचे तो मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप नंबर पे आप एसएमएस करके भेज दीजिएगा, मैं आपका क्वेश्चन सॉल्व करके आपको भेजूंगा। ठीक, तो आइए हम देखते हैं कॉन्सेप्ट नेक्स्ट। सो फ्रेंड अब देखिए हमारा कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट है क्या है, अगर फोर डाइस रहे तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन में हमारा क्या पूछा है, पहला पूछा है कि डाइस बी ऑफ डाउन सरफेस यानी डाइस बी के निचली सतह पे कौन सा होगा, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है, अपोजिट ऑफ थ्री यानी थ्री का विपरीत क्या होगा, यही पूछा है। तो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं,
इसमें देखिए हम ए और बी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसे ए और बी में क्या है, कामा क्या है, 4 और 5 है। तो इसको 4 और 5 को हम क्या कहते हैं, कामा, कामा यानी कालम से लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉमन वाला हो जाएगा, जो नॉट कामा है यहाँ पे हो जाएगा, उसके बाद जो मिसिंग वाला है वर्ड यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, तो कामा क्या है इसमें, देखिए 4 और 5 है, 4 और 5 है। उसके बाद मिसिंग नॉट कामा 1 और 2 है। उसके बाद जो बचता है यानी कौन सा बचता है, 3 बचता है, उसके बाद 6 बचता है। ठीक, तो अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्या है, अब डाउन यानी डाइस बी ऑफ डाउन सरफेस, यानी बी के डाउन सरफेस भी क्या होगा, क्या होगा, अब देखिए इसके डाउन सरफेस भी क्या होगा, हमारा 1 होगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि यही इसका विपरीत है। तो विपरीती यानी जो विपरीत होता है वही उसके निचली सतह पर होता है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो क्या कहते हैं बी के डाउन सरफेस यानी निचली सतह पे है। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, अपोजिट ऑफ 3 यानी 3 का अपोजिट क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में 3 का अपोजिट क्या है, हमारा 3 का अपोजिट 5 है। ठीक है, 3 का अपोजिट क्या है, 5 है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5, क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 5 हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, सो फ्रेंड इसे क्वेश्चन नंबर 2 का अपोजिट 5 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अभी देखिए हम इसको फिर से सॉल्व करते हैं। देखिए अगर हम अपोजिट को 4 डाइस में सॉल्व करें, तो इसमें से देखेंगे पहले ऐसे कौन सा 2 डाइस है जिसमें से केवल एक सरफेस कामा है। तो डाइस सी और डाइस डी में क्या है, एक सरफेस कामा है। तो इसको हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 से सॉल्व करेंगे, नहीं कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है कि जो कामा है उसके हम क्लॉकवाइज घुमा देंगे। ठीक है, देखिए ऐसे ऐसे इसको घुमा दीजिए और इसको ऐसे घुमा दीजिए। ठीक, तो चाहे आप इसको पहले लिखिए चाहे इसको, तो हम इसको मान लेते हैं, इसको हम पहले लिखते हैं। तो 3, 3 के बाद क्या है, 5 है, अब क्लॉकवाइज घुमाने पे। अब 5 के बाद क्या है, 2 है। उसके बाद क्या है, 3 है, 3 का क्या कहते हैं अपोजिट क्या है, 6 है, मतलब क्लॉकवाइज घुमाने पर। अब और 6 के बाद क्या है, 1 है। ठीक, उसके बाद जो बचता है वही क्या होता है, कामा के अपोजिट होता है। यानी अब देखिए इसमें से 5 का अपोजिट क्या है, 6, और 1 का अपोजिट 2 है। उसके बाद जो ये बचता है यानी 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4। ठीक, ये होगा हमारा राइट आंसर। ठीक फ्रेंड्स, तो आइए इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 में क्या है कि क्या है, डाइस ए है, डाइस बी है, डाइस सी है, डाइस डी है। इसमें से क्वेश्चन क्या पूछा है, अपोजिट ऑफ 2 यानी 2 का विपरीत कौन सी संख्या है। उसके बाद डाइस सी डाउन सरफेसेस यानी सी निचली सतह पर, सी के सॉरी सी के यहाँ पे के रहेगा, सी के निचली सतह पर कौन सा अंक है, कौन सा अंक है। तो आइए देखते हैं कौन सी अंक होगा। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्या था, एक सतह कामा। तो इसी से हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा दोनों का आंसर हो जाएगा। जैसे इसमें से देखिए एक सतह यही कामन है ना, क्या कहते हैं सी और डी में, डाइस सी और डी में, तो डाइस सी और डी में कामा है, तो इसलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए इसको 5 है ना, 5 कामा है। अब 5 को हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमा देंगे। ठीक है, तो जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये ऐसे ही घूमेगा। ठीक, तो अब देखिए 5 का कामा क्या हो जाएगा, 6, नहीं 5 का क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज 6, उसके बाद 6 के बाद 2 हो जाएगा, उसके बाद 5, 5 के बाद 3, और 3 के बाद क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ये जो बचता है एक जो गायब है वही 5 का क्या हो जाएगा, विपरीत अपोजिट हो जाएगा। 6 का अपोजिट 3 होगा, 2 का अपोजिट 4 होगा, और 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन हम हल करेंगे। अब 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, सी के निचली सतह पर यानी डाइस डाइस सी के निचली सतह पर कौन सी संख्या होगी। तो सी के निचली सतह पे क्या होगा, 3 होगा। देखिए क्योंकि 6 का विपरीत क्या है,
थ्री है, यानी सिक्स का अपोजिट थ्री है, इसलिए थ्री क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट।